कोलेबीरा विधायक रामेश्वर विकल कुमारी साहब है, इरफान सारी जामताड़ा विधायक, और हमारे बीच में राजेश कच्छप है सिद्धिदी के विधायक। चारों विधायक आपके सम्मान के लिए, आपके मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपके बीच में आए हैं। ये आवाज नहीं आ रही है, कारण है ये इंकलाब का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। बोलो कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने कहा था कि एक हाथ नहीं दोनों हाथ उठाना है, एक हाथ नहीं हमारे, हमको ईश्वर ने दो हाथ दिया है और दोनों हाथ का इस्तेमाल न करें। और भगत सिंह के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए तो अधूरा पन रहेगा। हम चाहेंगे इंकलाब जिंदाबाद। देखिए सारे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी लोग दोनों हाथ के उठा करके समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे आज पटना झारखंड में हो रहा है, हमारे आज रखे आए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं पूरे झारखंड के जागृत समाज को, हजारीबाग को और बधाई की धरती को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी की इस पावन धरती पे, जहां पे उस समय 19वीं सदी में अंग्रेजों के काल में इंकलाब की शुरुआत हुई थी और उस इंकलाब को जीते हुए भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी आगे स्थापित किया था हिंदुस्तान को आज़ादी में लाने के लिए, तो उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस जोश और प्यार के साथ लोग यहाँ पे तिरंगा लेके आए हैं तो उसको देख के यही लगता है कि भगत सिंह का मैं अकेला वारिस नहीं हूँ, यहाँ मौजूद एक एक व्यक्ति उनका वारिस है, उनका वंशज है। और अकेला यादव जी को इस नए इंकलाब के लिए, इस नई शुरुआत के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों का असली रोल मॉडल्स के साथ नाता जुड़े, ये पहल की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं इतना प्यार और इतना अपनापन जो यहाँ से मैंने महसूस किया लोगों के साथ जब मैं मिला हूँ, उस प्यार को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और अपनी माता जी को बताऊंगा कि अगर पंजाब में हमारा घर खट्टर कला है तो हिंदुस्तान में एक घर झारखंड भी है, बधाई भी है, हजारीबाग भी है। बहुत शुक्रिया। नवरन हो रहा है तो कुछ स्पेशल संदेश दीजिएगा। मैं युवाओं से यही कहूंगा कि भगत सिंह से दोस्ती करें, कोई भी समस्या आएगी उसका निदान यहीं से भगत सिंह जी से ही मिलेगा। अगर हम कहें कि एक युवा का चरित्र कैसा हो, करेक्टर कैसा हो, तो भगत सिंह जैसा हो। दोस्तों की मिसाल देखनी हो, भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव इतनी बड़ी मिसाल है, जो भाईचारे की मिसाल है कि भाई उनके साथ ही अंतिम समय तक उनके साथ रहे, फांसी के फंदे तक। और अगर हमारे नेता कैसे हो, भगत सिंह जी कैसे हो ताकि करप्शन ना हो, हमारे अधिकारी कैसे हो, सारा समाज, यानी अगर हम चाहते हैं कि विश्व गुरु दोबारा बने तो भगत सिंह के नज़दीक आए, भगत सिंह से दोस्ती करें और नशों को त्याग करें, नशों का त्याग करें, क्योंकि बहुत कीमती कुर्बानियाँ दे के, जान दे के भगत सिंह जी ने हमें ये आज़ादी दी है अपनी 23 साल की जवानी देखें। तो युवाओं से मैं यही कहूँगा, ये बहुत कीमती चीज़ होती है हमारी जान, उसको नशों से दूर करके भगत सिंह जी को सच्चे बना देते, नशों से दूर रहें। सारे दीदी लोग से आग्रह है।